हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th एबी, आप तक आवाज पहुंच रही है? यस सर। ओके, फर्स्ट गिव योर अटेंडेंस। पहले पहले अपना अटेंडेंस दे लो आप लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस आदित्य निश्चल सर। आदित्य निश्चल प्रेजेंट। ओके अमर मंसूरी, अमर, अनामिका राघव, अनामिका राघव, अंशुमन तिवारी प्रेजेंट सर, अनुषा यादव प्रेजेंट सर, आयुष वर्मा, भाव्या कुमावत, भूमिका कुचेरिया, भूपेश सिंह, देवश्री भारद्वाज, धर्मेंद्र, धीरज सोलंकी, दीक्षिता, दिव्यांशु स्वामी, गौतम चौहान, हर्षित टेलर, हर्षिता बैरवा प्रेजेंट सर, ईशिता कमल प्रेजेंट सर, कोमल वर्मा,
कुबेर मीना, खुशाल मीना, कुसुम अहिर, मानसी व्यास, प्रेजेंट सर, मयंक सकवाल, मयंक मौलिक चौधरी, पंकोरी तिलानी, प्रेजेंट सर, प्रदीप गुजर, प्रतीक कुमार साहू, प्रेजेंट सर, प्रिया मीना, रचित मिश्रा, प्रेजेंट सर, रोहित कुमार मीना, संजना गुजर, सारा मीना, प्रेजेंट सर, सविता गोदारा, प्रेजेंट सर, शिवांगी नेनवा, श्रियांश, प्रेजेंट सर, सोनाक्षी पांडे, प्रेजेंट सर, तुषार कुमार, वेदिका रावत, विकास शर्मा, प्रेजेंट सर, विनीत कुमावत, एनीबडी जिसका अटेंडेंस अभी तक नहीं हुआ, सर नाम ही नहीं लिया आपने, अमन कौन सुनी है क्या, अमन सर, हाँ बोलिए, कुबेर मीना प्रेजेंट, ओके और एनीबडी, सर दशिता राज प्रेजेंट, दशिता राज, यस, विकास शर्मा, सर शेष पात्रे, विकास शर्मा का हो गया बेटा, सुरेश का भी हो गया, आयुष, भाव्या, भूमिका, भूपेश, इनमें कोई हद बताओ, देवश्री, धर्मेंद्र, वो तो कभी आता नहीं क्लास में, धीरज, दिशा, दिव्यांशु, गौतम, हर्षित टेलर, हर्षिता बैरवा, तो हो गया प्रेजेंट, कुशाल मीना, कुसुम अहिर, कोमल वर्मा, मयंक, मौलिक चौधरी, प्रदीप गुजर, प्रेजेंट सर, सर मयंक प्रेजेंट, मयंक, रोहित कुमार मीना, संजना गुजर, शिवांगी, तुषार, वेदिका रावत, लास्ट विनीत कुमावत, ठीक है कोई होगा तो लास्ट में लाएंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप उसको लिखिए जो बाकी रह गया अभी तक, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, दोनों को डिफाइन करना है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसीडियस दोनों के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट इसमें एपीआई Name the region of India where this type of forest are found. Just remember about the northeastern part of the Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Assam, and Tripura.
and South India like Kerala. These are the important regions, and Andaman Nicobar Island. These regions, they are grow the basically tropical evergreen and tropical rainforest. These are the main region of the evergreen and rainforest. दोनों का ये main region है. Name the region where it is generally found जहां से पाए जाते हैं. To define the tropical evergreen forest, name the region where it is found. जहां जहां इंडिया में पाए जाते हैं उनका नाम डिस्क्राइब करना है. इसको शॉर्ट में आंसर लिखना है. बुक में बहुत डिटेल है, but you can write the in short answer में आपको लिखना है. मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया शॉर्ट में. सर पर बुक में तो उसके डेफिनेशन है ही नहीं. डेफिनेशन नहीं है, कोई बात नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है, डोंट वरी अबाउट दैट. तो आप तो इसको अंडरलाइन कर लो, डेफिनेशन नहीं है कोई बात नहीं है, पहले इसको अंडरलाइन करो आंसर. पहले सीधा पेज नंबर 44 में से स्टार्ट है. दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हेवी रेनफॉल. जैसे मैं आपको बताया जो हेवी रेनफॉल रीजन है इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड साउथ इंडिया अंडमान निकोबार आइलैंड. दीज रीजन्स देयर व्हिच रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री होल द वर्ल्ड फॉर द ईयर. सो देयर ग्रो द बेसिकली ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. हाँ, इसमें आएगा. हाँ, तो कंटिन्यूस को अंडरलाइन कीजिए. दे आर एट देयर बेस इन एरिया हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद ए शॉर्ट डेट ड्राई सीजन. द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर और इवन अबव. मतलब कि इतने एवरग्रीन होते हैं, ट्रीज लॉन्ग टॉल होते हैं, अबाउट 60 टू 80 मीटर हाई होते हैं, पेड़ की ऊंचाई होती है. ओके, यहाँ तक हो गया. इसके बाद फाइव लाइन छोड़ के नीचे आइए. शॉर्ट कर दिया मैंने इसको. देयर इज नो डिफिनिट टाइम फॉर ट्रीज टू शेप देयर लीफ. मतलब कि पेड़ की पत्ती गिरने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है. द ट्री डू नॉट शेप देयर लीव्स ऑल टुगेदर. पेड़ की सारी पत्ती एक साथ नहीं झड़ती है. द ट्री डू नॉट शेप देयर लीव्स ऑल टुगेदर. नेम, अच्छा अब मैं आई आस्क यू सम क्वेश्चन रिलेटेड दिस चैप्टर. नेम द फॉरेस्ट इन विच द ट्रीज शेयर देयर लीव्स. ट्रॉपिकल डेसीडियस. वेरी गुड, ऑल टुगेदर डेसीडियस. हाँ, तो डेसीडियस में क्या होता है, पेड़ की पत्ती जो है साथ में एक बार झड़ जाती गिर जाती है ताकि उनमें से पानी लॉस ना हो सके. हाँ, यस. तो In the month of the March, when the summer season begin at that time, the trees shed their leaves all together in the tropical deciduous में ऐसा होता है. बल्कि रेन फॉरेस्ट में कोई टाइम फिक्स नहीं होता है और पेड़ की सारी पत्ती एवरग्रीन में एक साथ नहीं झड़ती है. इसलिए तो दे लुक्स एवरग्रीन होल द ईयर, पूरे साल भर हरे भरे नजर आते हैं. ठीक है, तो इसको और इसको अंडरलाइन कीजिए. There is no definite time for trees to shape their leaves. As such, these forests appear green all the year round. नीचे का भी लेना लाइन. Some of the commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. इसमें ये सारे ट्री ग्रो होते हैं और नीचे भी लाइन लेना है. अभी कहाँ कहाँ इंडिया में पाए जाते हैं. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, केरला, अंडमान निकोबार, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, इसमें सारे आएंगे रीजन जहाँ ये ग्रो होते हैं. तो कॉमन एनिमल्स, जो एनिमल जो होते हैं भी इसमें लिखना है. एलिफेंट हो गया, मंकी हो गया, ठीक है, पाइथन, एनाकोंडा, लॉयन, टाइगर, दीज ऑल द एनिमल्स, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, दोनों तरह के एनिमल यहाँ पाए जाते हैं जंगलों में, एवरग्रीन में. द कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेमूर एंड डियर, द वन हॉर्न एलेनोसोरस, मतलब गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं मोस्टली. ऑन द फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल बिसाइड दिस एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स.
एनिमल के साथ बहुत तरह की बर्ड्स भी होती है, बैट्स, स्लोथ एंड स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर ऑल फाउंड इन दिस जंगल। ये हो गया कंप्लीट आंसर। इसमें आप सर वो जो फर्स्ट वाला पॉइंट था वो दीज से लेकर कहां तक है? यहां तक है 60 मीटर्स और इवन अबव, पेज नंबर 46 में आ जाओ। सर वो पूरा? हाँ 60 मीटर्स और इवन अबव, यहां तक पूरा नहीं, यहां तक कर लो इसको फर्स्ट पॉइंट। मैं इसको रीड कर देता हूँ अगेन। दे आर एट देयर बेस्ट एरिया हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर। इंडिया में जहां जहां भी 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है उन रीजन में विशेष करके पाए जाते हैं, ग्रो होते हैं। सेकेंड है ट्रॉपिकल डिसीडियस। तो इसको आप समझ ही गए अच्छी तरह से, कोई डाउट की बात क्या नहीं संदेह की। Those region of India which receive less than 50-100 centimeter rainfall in these areas, their growth are basically tropical deciduous. So India, जैसे Central India हो गया, Northern India, Punjab, Haryana, Chandigarh, UP, Bihar, Jharkhand, MP, and Central India like Karnataka, Andhra, these are the regions which receive the moderate rainfall. Moderate means not very high, not very less. Moderate, साधारण वर्षा 50-100 सेंटीमीटर यहाँ होती है. So their growth basically the tropical deciduous forest. अब feature क्या है? The trees shed their leaves all together during the month of the beginning of the summer, like in the March after the February month. In the March when begins at that time the trees shed their leaves all together particular month of the year. तो पेड़ किसी की विशेषता क्या है tropical deciduous की, कि जैसे February month जो end हुआ, March begin हुआ, at that time all the trees they shed their leaves all together, सारे पेड़ की पत्ती गिर जाती है, झड़ जाती है, इसलिए इनका नाम हो गया deciduous, tropical deciduous। इसको हिंदी में बोलते हैं पर्णपाती या पतझड़। तो इस तरह के जो ट्री जो प्लांट्स हैं और बेसिकली जो है इसमें हार्ड वुड ट्रीज जैसे साल, शीशम, सागवान एंड प्लस मैंगो, जामुन जिसको बोलते हैं, नीम, पीपल, ये बनियान ट्री, ये जितने भी ट्री हैं सब इसमें ट्रॉपिकल डिसीडियस में ही ग्रो होते हैं। इसमें जो है अवेलेबल फर्नीचर के लिए जो है बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट जो है टिम्बर वुड जो है हम इन जंगलों से हम प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, विच आर यूज इन द मेकिंग द फर्नीचर, जो फर्नीचर के इस्तेमाल में काम आते हैं। तो दिस इज द ट्रॉपिकल डिसीडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसको, सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन discuss about tropical deciduous forest, which type of wild animal are found there. Next question, page number 46 ko dekhiyega, discuss about tropical, discuss about tropical deciduous, discuss about tropical deciduous forest near the region where they are found, near the region where they found. ठीक है, ये हो गया टोटल डिसीडियस के बारे में। जहां लेस देन 100 एंड 200 के नीचे जहां रेनफॉल होता है, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया, दिस रीजन रिसीव द मॉडरेट रेनफॉल नॉट मोर देन 100 एंड 200 सेंटीमीटर, दिस रीजन देयर ग्रो द बेसिकली tropical deciduous type of the forest
These regions are Punjab, Haryana, Chandigarh, UP, Bihar, Jharkhand, Chhotanagpur belt in MP, some parts of the Southeast Rajasthan, Karnataka, Andhra. These are the regions which receive moderate rainfall, like 50 to 100 and 100 to 200 centimeters. These in those regions, they are basically grow the tropical deciduous trees. तो इसका इसे मार्क कर लीजिए इस ट्रॉपिकल डेसीडियस का ट्रॉपिकल डेसीडियस पेज नंबर 46 इसको भी मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है तो यहाँ से अंडरलाइन कीजिए दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के बहुत लार्ज पार्ट में ये ग्रो होते हैं पूरा सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया होल रीजन में जो है ये बेसिकली ग्रो होते हैं तो दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया They are also called the monsoon forest and spread over the region receiving rainfall between 200 centimeter and the 70 centimeter. जहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर की से कम होती है Trees of this forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks during the summer. मतलब समर में during the summer season the trees shed their leaves all together. When the summer begins in the month of the March, after the end of the February, trees shed their leaves all together. सारे पेड़ की पत्ती झड़ जाती है गिर जाती है So it is called the tropical deciduous. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको पर्णपाती या पतझड़ केवल तो दीज आर नोन एज द ट्रॉपिकल डिसीडियस अब इसकी विशेषता फीचर जैसे आपने समझ लिया है They are no very dense, भाई बहुत डेंस नहीं होते हैं हार्ड वुड ट्रीज ग्रो देयर हार्ड वुड इसमें ग्रो होते हैं प्लास जामुन नीम मैंगो ठीक है इसके अलावा जो है नेक्स्ट अदर ट्रीज आल्सो साल शीशम सागवान इस टाइप ऑफ द हार्ड वुड एंड पीपल जामुन महुआ ट्री दे ग्रो बेसिकली तो 8 weeks इन द ड्राई सीजन यहाँ तक अंडरलाइन करने के बाद आप 5 लाइन छोड़ के नीचे आइए थोड़ा मैं इसको शॉर्ट कर दिया हूँ 5 लाइन छोड़ के नीचे आइए दिस फॉरेस्ट एग्जिस्ट यहाँ से अंडरलाइन कीजिए दूसरा पॉइंट के सेकंड पॉइंट के लिए दिस फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयर फॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय झारखंड वेस्ट ओडिशा इन छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट टिक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट इसमें कौन कौन से ट्री होते हैं जैसे बंबू साल शीशम सैंडलवुड खैर कुसुम अर्जुन मलबेरी आर ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज रीजन इसमें रीजन कौन कौन से इसमें आ गए रीजन में नीचे पैराग्राफ ले लीजिए रीजन में नीचे पैराग्राफ फोर्थ लाइन नीचे पैराग्राफ फोर्थ लाइन जैसे द दिस फॉरेस्ट आर फाउंड सेकंड पैराग्राफ ने लास्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन देखिए These forests are found in the rainier part of the peninsula plateau and the plains of the Bihar and UP. These are the main regions where this type of forest grows, basically tropical deciduous. यहाँ तक अंदर आएंगे। सर कहाँ पर है? देखो last वो page 46 में last paragraph देखो ना, the dry deciduous the dry. Okay sir मिल गया। मिल गया ना आप इसको ले लो यहाँ से दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू एंड द प्लेन्स ऑफ द बिहार एंड द उत्तर प्रदेश यहाँ तक उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब आउट द थॉन फॉरेस्ट एंड शर्ब्स मतलब कंटीली झाड़िया ड्राई शर्ब्स एंड थॉन फॉरेस्ट ये कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं जैसे
वेस्टर्न राजस्थान थार डेजर्ट एंड गुजरात वेयर दे दिस रीजन दे रिसीव वेरी स्केंटी रेनफॉल देयर दिस टाइप ऑफ द फॉरेस्ट ग्रो जहां ले वेयर द रेनफॉल वेरी स्केंटी रेनफॉल बिलो द 25 टू 50 सेंटीमीटर 50 टू 70 सेंटीमीटर जहां रेनफॉल होता है उस एरिया में ये बेसिकली दे ग्रो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब अबाउट द थॉर्ड फॉरेस्ट थॉर्न फॉरेस्ट एंड सर्व्स एंड सर्व्स तो एवरीबडी नो द फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल हिल ट्रॉपिकल जस्ट लाइक द थॉर्न फॉरेस्ट इन द सर्व तो एज यू नो दैट स्टूडेंट our natural vegetation they are totally depend on the precipitation and the rainfall to hamare desh ka jo vegetation jo hai wo basically jo hai wo rainfall precipitation se kafi jo hai impact padta hai theek hai to ab dekhiye jaise tropical rain forest mein jahan adhik varsha hoti hai mahigar green ho gaya moderate rainfall ho gaya to deciduous ho gaya और जो हाँ स्केंटी रेनफॉल लोवेस्ट रेनफॉल जहाँ सबसे कम वर्षा होती है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान थार डेजर्ट गुजरात दिस रीजंस दे रिसीव वेरी स्केंटी रेनफॉल एंड आल्सो सेंट्रल हाईलैंड तेलंगाना आंध्र कर्नाटका के जो रीजन है दे आल्सो रिसीव वेरी स्केंटी रेनफॉल ड्यू टू लीवार्ड साइड due to leeward side the central highland they receive very lowest scanty rainfall so these regions their growth basically the baboon cactus date palm khajur tal theek hai iske bare iske alawa dry shrubs kantili jhariyan wa grow hoti hai yahan evergreen ya deciduous nahi paaye jaate बबूल कैक्टस नागपन्नी या इसके अलावा पाम डेट खजूर के पेड़ और ताल यानी कि पाम ट्री यहाँ ग्रो होते हैं तो वेस्टर्न राजस्थान थार डेजर्ट गुजरात एंड सेंट्रल हाईलैंड दीज आर द रीजन विच रिसीव द स्केंटी रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर सो दे ग्रो दिस टाइप ऑफ द फॉरेस्ट अब इसका आंसर मार्क कर लीजिए अरी द आंसर पेज नंबर 46 द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्व्स इसमें अंडरलाइन कीजिए जहां सामान्य वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है इन रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थ्रोनी trees and bushes this type of vegetation is found in the northeastern part of the country including semi arid areas of gujarat rajasthan madhya pradesh chhattisgarh uttar pradesh and haryana wahan bhi ye dekhne ko milta hai acacias palm and forbs and the cactus are the main plant species trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture तो क्या होता है कि बेसिकली जो है जो ड्राई एरिया सेमी ड्राई रीजन्स में एक ग्रो होते हैं एंड दे आर नो वेरी डेंस बिल्कुल डेंस नहीं होते हैं दूर दूर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्केटर्ड और एनिमल किस टाइप के एनिमल जो है बेसिकली रेप्टाइल्स एनिमल्स फाउंड देयर लाइक लिजर्ड एंड
कैमल इज द वाइल्ड एनिमल एंड आल्सो पेट एनिमल इन द फेमस ऑफ द डेजर्ट लेक एंड लिजर्ड स्नेक्स स्कॉर्पियन अदर टाइप ऑफ द इंसेक्ट्स व्हिच रन दैट इज नोन एज द रेप्टाइल्स सरीसृप वर्ग के प्राणी They are the generally found in this type of the forest. Camel, it is a very famous animal of these regions. They are known as the sheep of the desert. जिन्हें desert का sheep बोलते हैं, जहाज. Okay, because the nomadic people and Banjare इसको बोलते हैं, they use the camel in their caravan and they do the business and other. Type of the work with the help of the camel. They plow their field also with the help of the camel. So camel यहाँ का सबसे important जो animals माना जाता है. तो हरियाणा यहाँ तक कर लीजिए get moisture. उसके बाद नीचे लाइन लीजिए this forest give way to tall forest and shrubs in arid areas. In this forest, the common animals are rats, mice, rabbits, fox, wolf, tiger, lion, wild ass, horses, and camel. So, the main animals are tropical and the thorn forest. So, this type the जो बियन लिजर type के जो animals next भी आएंगे scorpion भी सब सारे यहाँ पर पाए जाते हैं. उसके बाद आता है mountain. Mountain forest. As you know, there is a mountain forest. It is also known as a mountain. Mountain and mountain both are the same. Sometimes the ask discuss about the mountain forest, and sometimes ask for the mountain. Mountain and mountain both are same. इसमें confused नहीं होना है. समझ गए student? Hello. Sir. हाँ तो माउंटेन और माउंटेन दोनों सेम नेम है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है तो माउंटेन कहिए या माउंटेन सेम तो माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट बेसिकली दे आर फाउंड इनटू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन रीजन नॉर्दर्न हिमालयन रीजन ऑन द स्लोप ऑफ द हिमालय दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रो देयर इन द हिल In the slope of the Himalaya, according to the height of the Himalaya, they change. और हिमालय की height जैसे जैसे increase होती है उनमें change आता है Lower part में lower हिमालय में सारी alpine region में grow होते हैं हाँ yes. Lower हिमालय में जहाँ height कम है तो वहाँ evergreen मिलेगा और ज्यादा height पे जाओगे roads, wood, maple, cedar, spruce. ठीक है इस तरह का जो है सॉफ्ट वुड वाले ट्री मिलेंगे सॉफ्ट मतलब कोमल लकड़ी वाले जिसका इस्तेमाल जो होता है प्लाई वुड में दैट इज यूज्ड इन द प्लाई वुड टू मेक द प्लाई वुड एंड पैकिंग बॉक्सेस एंड आल्सो मैच बॉक्स प्रिपेयरिंग में आता है माचिस की जो डिब्बे ठीक है इसके अलावा जो पैकिंग बॉक्स फ्रूट्स को पैक करने के लिए जो बक्से आते हैं वो इसी सॉफ्ट वुड से बनाए जाते हैं एंड पेपर टू मेक द पेपर ठीक है इस सॉफ्ट वुड से क्या बनता है पेपर सॉफ्ट वुड आर यूज टू मेक द पेपर एंड मैचिंग द बॉक्सेस पैकिंग बॉक्सेस फर्नीचर टू मेक द प्लाईवुड एक्सेट्रा This type of the soft wood are used in many ways. So basically in the above the 7000 meter, 8000 meter, you cannot find there any tree and plant. Only basically coniferous type. In the height of the 7,600 meter high, they will find the coniferous tree. वहाँ आपको coniferous tree मिलेगा नुकीली पत्ती वाले बताए ना आपको जैसे आप अशोका ट्री देखते हैं ना यहाँ पर देखते हो कि नहीं उस टाइप के नुकीली पत्ती वाले आपको ट्री मिलेंगे हिमालयन जो माउंटेन रीजन में आप 7000 और से अब जाओगे या 6000 हाइट पर
तो वहां कोनिफेरस ट्री मिलेंगे, नुकीली पत्तियां। सर उनकी पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं? नुकीली बेटा इसलिए होती है टू जैसे टू एडजस्ट इन दैट एनवायरमेंट, उस एनवायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए। ओके सर। जैसे मान लीजिए स्नोफॉल एरिया होता ताकि है, स्नो वहां पे स्टे ना हो लीफ्स के ऊपर। हां यस यस, बिकॉज द स्नो फ्लो ग्लेशियल वाला रीजन होता है जहाँ द स्नोफॉल होता है, तो ट्रीज जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ की लंबी लंबी डालियां या लंबे लंबे तने वहाँ नहीं होते हैं, छोटी जैसे अशोका ट्री आप देखते हो इस टाइप के, ए इस टाइप के ट्री आपको मिलेंगे नुकीली पत्ती वाले, बिकॉज दे सेव दे प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम द स्नो, आइस से स्नो से अपना प्रोटेक्ट करने के लिए दे आर बेसिकली द ग्रो द कोनिफेरस ट्री इन द हाइट ऑफ द 6,000-5,000 मीटर हाइट पर आपको मिलेगा। लेकिन आप जब इफ यू रीच इन टू द हाइट ऑफ द 8,000-7,000 मीटर यू कैन नॉट फाइंड देयर एनी टाइप ऑफ द फॉरेस्ट, वहाँ कोई फॉरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, यू कैन फाइंड देयर ओनली ग्लेशियर, वहाँ ग्लेशियर आइस मिलेगा, वहाँ कोई ट्री प्लांट नहीं मिलेगा आप, यानी कि कॉनिफेरस भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये जो 8,000 मीटर की हाइट पर दे आर कवर्ड फ्रॉम द आइस एंड ग्लेशियर। 8,000 के मीटर पर ग्लेशियर क्या होता है, वहाँ पर रहता है आइस होता है, वहाँ कोई भी प्लांट ग्रो नहीं होता है। तो दीज आर द माउंटेन टाइप ऑफ द फॉरेस्ट, जिसको माउंटेन टाइप ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। तो इसको एक क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस अबाउट माउंटेन फॉरेस्ट, या डिफाइन भी कर सकते हैं, डिफाइन अबाउट माउंटेन, माउंटेन फॉरेस्ट जिसमें आपको बताना है रीजन भी फीचर भी सभी आपको बताना है इसमें। तो इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करके मैं आपको इसको अंडरलाइन कराऊंगा माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। तो पेज नंबर 47 में माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में आप उसको अंडरलाइन कीजिए, थोड़ा लॉन्ग टाइप इसका आंसर है लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, तो अंडरलाइन कीजिए पेज नंबर 47 माउंटेन फॉरेस्ट में। आप शुरू कीजिए फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, द माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीजेज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड लेड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन। मतलब ये हुआ कि हाइट बढ़ने से, ऊंचाई बढ़ने से क्या होता, टेम्परेचर क्या होगा बेटा, डिक्रीज की इंक्रीज, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वेरी गुड, क्योंकि हिमालय का हाइट बढ़ने से टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर कम होने से वहां ग्लेशियर आइस क्या कवर्ड हो जाते हैं। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचर वेजिटेशन, यहां तक हो गया। उसके बाद जो है थ्री लाइन छोड़ के नीचे आइए, थ्री लाइन छोड़ के नीचे, अब जो है हाइट के अनुसार बताना है कि 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर पर किस टाइप के वेजिटेशन मिलेंगे, या 1500 से लेकर 3000 पर किस टाइप के मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू द हाइट द चेंज इन द वेजिटेशन। ओके, हाइट के अनुसार वेजिटेशन में चेंज होता है, इन द हाइट ऑफ द 1000 टू 2000 मीटर वहां पर किस टाइप का मिलेगा, और अबव द 1500 टू 3000 मीटर पे कौन सा किस टाइप का वेजिटेशन होगा, एंड अबव 3600 से अबव एरिया में किस टाइप होगा। तो अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द हिमालय दे आर चेंज द वेजिटेशन। तो यहां तक आपका हो गया ना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थ्री लाइन छोड़ के नीचे आइए, द वे टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन ए हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर्स, वहां क्या मिलेगा, इवरग्रीन, 1000 2000 मीटर की हाइट पर इवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक
एंड चेस्टनट प्रेडोमिनेंट एंड बिटवीन 1500 एंड 3000 1000 हमारे 1500 से लेकर के 3000 15 टू 3000 मीटर की हाइट पर कौन सा मिलेगा? टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफेरस। अभी जो मैं बताया ब्लैकबोर्ड में कि कॉनिफेरस ट्री कौन नोकीली पत्ती वाले वो ट्री आपको मिलेंगे अबव द हाइट ऑफ द 1500 टू 3000 मीटर हाइट। तो ये सॉफ्ट वुड वाले ट्री होते हैं, दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज दे आर यूज इन दी सॉफ्ट वुड ट्रीज आर यूज टू मेक द पल्प पेपर पैकिंग बॉक्सेस एंड मैकिंग बॉक्सेस टू मेक द प्लाई वुड इज दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द एडवांटेज आर देयर ऑफ दिस माउंटेन फॉरेस्ट सॉफ्ट वुड का इसके ये सब मैन्युफैक्चर होता है। इसमें कौन कौन ट्री होते हैं? 1500 एंड 3000 मीटर टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफेरस ट्री जिसको बोलते हैं लाइक पाइन देवदार सिल्वर फर स्प्रूस एंड सीडर आर फाउंड दिस फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय। सो यू नो द हिमालय दैट इज द थ्री पार्ट ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय हिमाद्री जिसको बोलते हैं एंड लेजर हिमालय शिवालिक। तो मिडिल हिमालय में बेसिकली दे आर द दिस टाइप ऑफ द फॉरेस्ट ग्रो दे आर नोन एज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन इन द मिडिल हिमालय अबव द हाइट ऑफ द 1500 टू 3000 मीटर हाइट पर मिलते हैं। उसके बाद फोर लाइन छोड़ के नीचे आइए एट हाई अल्टीट्यूड मतलब कि अबव द 3000 से अबव जब जाएंगे आप हाइट पर तो वहां अलग प्रकार की वेजिटेशन मिलेगा इन द हाइट ऑफ द जस्ट लाइक अबव 3500 या 600 मीटर अबव सी लेवल टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन मिलेगा जिसमें सिल्वर फर जूनिपर्स पाइंस एंड बर्चेज आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इतने हाइट पर मतलब अबव द 3600 हाइट पर जनरली द पाइंस जूनिपर सिल्वर फॉर टाइप के वेजिटेशन ये भी सॉफ्ट वुड वाले होते हैं। दोज वेजिटेशन आर फाउंड इन टू द हिमालय रीजन ऑल आर सॉफ्ट वुड वाले जो होते हैं कोमल लकड़ी वाले जिनका पेपर में पल्प बनाने में इसके अलावा जो फर्नीचर पैकिंग पैकिंग बॉक्स मैच बॉक्स के मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल विशेषकर होता है। और लास्ट जो है थर्ड ये फोर्थ पॉइंट होगा इसका दीज आर यूज एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाय नोमाडिक। अच्छा इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं मैं इसको इसको रहने लीजिए बिल्कुल लास्ट ले लीजिए माउंटेन फॉरेस्ट का लास्ट पैराग्राफ। इसमें किस टाइप के एनिमल मिलेंगे? इसमें एनिमल आप बता सकते हैं किस टाइप के एनिमल मिलेंगे? सर डियर शीप हाँ सर लेपर्ड लेपर्ड जो यॉर्क यॉर्क सर हाँ ये बड़े बड़े फर वाले रोई वाले जानवर मिलेंगे विच प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड इन द ग्लेशियर से जो अपना प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सर एंडेंजर्ड एनिमल रेड पांडा हाँ यस यस सर। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए लास्ट पैराग्राफ द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट इज आर कश्मीर स्टेग जिसको बारहसिंगा बोलते हैं एंड स्पॉटेड डियर वाइल्ड शीप जैक रैबिट तिब्बतन एंटेलोप याक स्नो लेपर्ड स्क्विरल्स सेगी हॉर्न विल वाइल्ड आइबेक्स बियर एंड रेयर रेड पांडा शीप एंड गोट्स विथ थिक हेयर मतलब कि बड़े बड़े बाल वाले रोएदार जो है ये जानवर वहाँ मिलते हैं एनिमल हिमालय रीजन पर। और यहाँ के जो ट्राइबल लोग होते हैं उसको गद्दी बोलते हैं गद्दी बकरा बकरबाल आप हिस्ट्री भी पढ़े होंगे नाइन्थ में। तो गद्दी एंड बकरबाल टाइप के जो है ट्राइबल पीपल बेसिकली दे लिव देयर एंड दे आर इन्वॉल्व इन टू द पेस्टोरल इंडस्ट्रियल कैटल रियरिंग पशु पालना उनका मुख्य क्या पेशा होता है ऑक्यूपेशन होता है और देन डिपेंड ऑन द
पेस्टोलिज्म, तो याक, याक भी हो पाया जाता है वहां, याक जो मैं आपका नाम नहीं बता, अभी बता रहा हूँ, याक जो बैल होते हैं पहाड़ी है, हिली रीजन के, तो याक भी इसमें आते हैं जो है जनरली वहां के एनिमल। नेक्स्ट जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट दैट इज नोन एज द टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल मीन्स नियर द सी कोस्ट, नियर द सी कोस्ट दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रो देयर, दे आर सिंक इनटू द स्लाइन वाटर ऑफ द ओशन, ओशन के स्लाइन नमकीन खारे पानी में ये ग्रो होते हैं। सुंदरबन डेल्टाई रीजन, सुंदरबन डेल्टाई रीजन, व्हाट द नेम ऑफ द सुंदरबन, उसका नाम सुंदरबन कैसे पड़ गया बताओगे यार? बिकॉज ऑफ सुंदरी ट्री। हाँ, तो सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी ट्री नाम का पेड़ होता है, ग्रो होता है, विच लुक्स वेरी फाइन, सो इट्स नेम इज नोन एज द सुंदरबन। उसी ट्री के नाम पर इसका नाम पड़ गया, फॉरेस्ट का सुंदरबन पड़ गया। तो होल मतलब कि जो डेल्टाई रीजन है नियर द बे ऑफ बंगाल, दीज रीजन्स देयर ग्रो बेसिकली सुंदरी ट्री, एसो दी दैट इज नोन एज देयर सुंदरबन डेल्टा। तो गंगा यमुना, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई रीजन है सुंदर साउथ बे ऑफ बंगाल का, उसी रीजन में सुंदरबन पाया जाता है। इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा माना जाता है जहां पर ये ट्री या सुंदरी ट्री पाए जाते हैं। तो यहाँ का जो एनिमल है उसे बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। ये बहुत बोल्ड होता है, लार्ज होता है, डेंजरस होता है, और इतना हाइट आपको पता होगा कि ये घोड़े की तरह, हॉर्सेस की तरह जैसे लंबे बड़े बड़े होते हैं। तो दे आर वेरी लुक्स, इट इज द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश का जो है राष्ट्रीय पशु माना कहा जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर दैट इज फाउंड इन टू द सुंदरबन। एंड अदर ट्रीज आर लाइक कोकोनट, कोस्टल रीजन में बेसिकली दे आर ग्रो नियर द कोस्ट, कोस्टल बेल्ट, जनरली पारादीप, हल्दिया, विशाखापट्टनम, चेन्नई कोस्टल रीजन, गोवा केरला कोस्टल रीजन, होल जितने भी कोस्टल रीजन है इंडिया के जहाँ सी से हमारा कोस्ट लाइन बिल्कुल कनेक्ट होता है, सारे रीजन में ही आपको वेजिटेशन मिलेगा। सलाइन वाटर में डूबे रहते हैं पानी, खारे पानी में, और कोकोनट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो है प्लांट होता है, ट्री होता है। तो दीज आर द फॉरेस्ट दैट इज नोन एज द मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल भी नाम पड़ा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी पूछ जाता है डिस्कस अबाउट द टाइडल फॉरेस्ट, तो आप इसी यही सेम क्वेश्चन आपको लिखने हैं, कभी टाइडल पूछ देगा तो कभी मैंग्रोव पूछेगा, तो दोनों जो है नाम सेम है, आंसर आपका सेम होगा। नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू नो अबाउट द मैंग्रोव फॉरेस्ट। What do you know about mangrove? Mangrove forest. इसी में ऐड कर दीजिए, write the name. Write the name of animals. Write the name of animals which are found there. तो कौन कौन से एनिमल जो है यहाँ पाए जाते हैं और इसके बारे में आपको लिखना है। तो मैंग्रोव ब्रैकेट को आप टाइटल भी कर दीजिएगा, मैंग्रोव और टाइडल, टी आई डी ए एल, टाइडल फॉरेस्ट, इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा, मैंग्रोव एंड टाइडल, ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाओ। तो व्हाट डू यू नो अबाउट द मैंग्रोव और टाइडल फॉरेस्ट,
राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स व्हिच आर फाउंड देयर. तो नाउ इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको शॉर्ट में इसको मैं लिखा लेता हूं. इसको होल पैराग्राफ ले लो तो अच्छा होगा, बेटर होगा, क्योंकि सारी चीजें इसमें आनी है. इसका फीचर क्या है, एनिमल क्या है, या टाइप ऑफ द ट्री क्या है, सारी चीजें बतानी पड़ेगी. इसलिए इसको होल पैराग्राफ को ले लो. मैंग्रोव फॉरेस्ट का बहुत बड़ा नहीं है तो आपको इसको आप रटने की जरूरत तो है नहीं, आपने समझ लिया है. एक बार पढ़ोगे, दो बार डिविजन करोगे, याद हो जाएगा. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का होल पैराग्राफ ले लीजिए. द मैंग्रोव टाइडल फॉर लिखा हुआ देखिए, द मैंग्रोव टाइडल टाइडल कर लिया मार्क. हाँ हाँ, मैंग्रोव लिखा ना टाइडल, तो दोनों नाम इसका है, बुक में भी टाइडल लिखा है. द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ द कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई टाइड्स, मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट. मतलब समुद्र के किनारे जो मडी एरिया, जो सैंडी होता है, जहाँ रिवर डेल्टा फॉर्म करती हैं, कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं. डेंस मैंग्रोव आर द कॉमन वेराइटी ऑफ विथ रूट्स ऑफ द प्लांट समर्ज अंडर वाटर. मतलब कि पेड़ की जो जड़ें हैं, जो स्टीम तने हैं, रूट जो है, वो हमेशा पानी में खारे स्लाइन वाटर में, नमकीन खारे पानी में डूबे रहते हैं पेड़ की जड़ें, रूट. द डेल्टा ऑफ द गंगा, द महानदी, द कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी आर द कवर्ड बाई सच वेजिटेशन. जितने भी रिवर है विच फॉर्म द डेल्टा, पेनिनसुला रिवर, पेनिनसुला रिवर जितनी है जो ईस्ट बे बंगाल में जाकर के मिल जाती है, दीज ऑल द रिवर का जो डेल्टा फॉर्म करती हैं, जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ऑल दी रिवर दे फॉर्म द डेल्टा ड्रेन इन टू द बे ऑफ बंगाल. इन दिस डेल्टा रीजन बेसिकली द टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउथ ऑफ दीज रिवर्स. तो आप जितने भी रिवर्स जो है साउथ इंडिया की, पेनिनसुलर रिवर की, ये सभी जहाँ डेल्टा फॉर्म करती हैं और ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में, इस सारे रीजन में, बस कोस्टल रीजन में, स्लाइन वाटर में ये टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं. यस कंटिन्यू. द डेल्टा ऑफ द गंगा, द महानदी, द कृष्णा, गोदावरी एंड द कावेरी इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. मतलब सुंदरी ट्री आर फाउंड, तो वहाँ सुंदरी ट्री पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ गया सुंदरबन. इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, पाम, कोकोनट, टोरा, एगर आल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा. अब ये तो हो गया ट्री, किस प्रकार के ट्री है. अब उसके बाद आता है एनिमल. रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट, एंड क्रोकोडाइल, घड़ियाल एंड स्नेक्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. तो ये हो गया आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में. और इसके बाद जो है ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है फिनिश हो गया. अब इसमें लेकिन दो तीन क्वेश्चन और हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ जो है इंडिया में किस प्रकार का है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एंड व्हाई दे आर डिसअपीयर हमारे देश में, कंट्री में, ये जो है सम जो है स्पेसीज जो है एनिमल का ये विलुप्त हो क्यों होते जा रहे हैं, इसके बारे में दो तीन क्वेश्चन है, उसको भी लिख लीजिए. हाउ द एनिमल्स आर यूजफुल टू अस, एवरीबडी नोज एनिमल का इम्पोर्टेंस सभी को पता है. हाउ द एनिमल्स आर यूजफुल टू अस, इसको पेज नंबर 50 में देखिए, सीधा पेज नंबर 50, सेकेंड पैराग्राफ, फोर्थ लाइन, एनिमल का इंपोर्टेंस आपको पता है लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर में बता लेता हूं. पेज नंबर 50 में सेकेंड पैराग्राफ का फोर्थ लाइन देखिए, द एनिमल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचर एज एनिमल्स, दे आर प्रोवाइडेड अस ड्राउट पावर
ट्रांसपोर्टेशन मीट एक्स द फीस सर कहां पर है ये पेज नंबर 50 में देखो पेज 50 में लास्ट पेज नंबर 50 में सेकंड पैराग्राफ का फोर्थ लाइन वी हैव सिलेक्टेड आवर क्रॉप्स इसमें देख ये पैराग्राफ मिल गया आपको यस सर इसके फोर लाइन छोड़ के नीचे जाओ यहाँ से द एनिमल्स वेयर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक मैंने छोटा का शॉर्ट कर दिया है आंसर को स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचर एज मिल्क एनिमल्स दे आल्सो प्रोवाइडेड अस ड्राउट पावर ट्रांसपोर्टेशन मीट एग्स द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फूड मेनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज एंड एक्सटर्न बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट सच विच आर हार्मफुल एवरी स्पेसीज हैव ए रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम दीज आर द साइंटिफिक एक आंसर है और ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है जो उसको एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा तो एनिमल की जो है जिसके हम मिल्क भी हमको मिलता है सर कहाँ तक है बस यहाँ तक कर लो इकोसिस्टम तक दे प्ले इन द इकोसिस्टम दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम में इनका सबसे बड़ा रोल होता है बैलेंस बनाने में इनसे फल मिलता है ठीक है और मिल्क मिलता है एग मिलता है ये सारी चीजें एनिमल से और दे आर यूज इन द प्लाविंग द फील्ड लाइक कैमल ऑक्स बैल से मेल बफलो से ये जो खेत जो जोतने का प्लाव करने के ये सब सारा इंपॉर्टेंस है द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर व्हाट इज गवर्नमेंट ने व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ इन आवर कंट्री हमारे देश में कंट्री में गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए क्या स्टेप लिया है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है नेशनल पार्क सेंचुरी जो है रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है नोबडी कैन कट द ट्रीज डू नॉट ग्रेज डियर एनिमल्स एंड बैनिंग ऑन द हंटिंग ये सारे जो है स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट के लिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर व्हाट स्टेप्स are taken by the government to protect the flora and fauna वन्य प्राणी और ट्रीज प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर्स पेज नंबर 50 में देखिए राइट हैंड साइड का जो पैराग्राफ है उसमें उसको अंडरलाइन कीजिए पेज नंबर 50 में जो है राइट हैंड साइड आइए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स मिल गया सभी को यस सर हाँ इसको अंडरलाइन करो टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स इसमें कितने पॉइंट्स हैं फोर पॉइंट्स चारों पॉइंट को आपको इसको लिखने हैं इसमें ठीक है तो जितने पॉइंट्स हैं सभी को आपको इंक्लूड करने हैं इसमें इस आंसर में देन टुडे फिनिश दिस चैप्टर इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं चूज द राइट आंसर सभी आप सभी को आपको पता है इसको मैं शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा मेरा जैसे चूज द राइट आंसर फ्रॉम द
फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो. तो फर्स्ट में जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू. रबर जो है किस टाइप का? ट्रॉपिकल एवरग्रीन. ट्रॉपिकल एवरग्रीन, वेरी गुड. उसके बाद सिनकोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरिया 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर में सिनकोना पाया जाता है, वेरी गुड. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिंपली फॉल बायो रिजर्व लोकेटेड? सर वेस्ट बंगाल. नहीं बेटे, ओडिशा में. ओके सर. हाँ, ओडिशा अंडरलाइन मार्कर दो आंसर. उसके फोर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर? मानस. मानस जो है ये नेशनल पार्क है, और जो बायो रिजर्व इंडिया का जो है ये मुख्य जो है नेशनल पार्क माना जाता है. अच्छा, उसके बाकी क्वेश्चन तो आपका मैं लिखाई दिया हूँ. जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये सारे जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ गए. तो सर अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेंगे? नहीं, पॉपुलेशन तो आपको पढ़ना नहीं है बेटे, पॉपुलेशन सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देना है. तो अभी जो है मैं नेक्स्ट जो है मेरा सिलेबस तो बहुत आगे है बिल्कुल, तो डोंट वरी अबाउट द सिलेबस. तो अब मैं रिविजन करूँगा, और ज्योग्राफी में फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों टर्म का सिलेबस जो फिनिश हो गया, ठीक है. इकोनॉमिक्स में शायद दो चैप्टर बाकी है, अभी दो चैप्टर हो गए. आप... हाँ तो सर आप टेस्ट ले लो. चलो ठीक है, टेस्ट ले लेंगे, डोंट वरी. टेस्ट कौन सी बड़ी बात है, उससे भी आपका जो है एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है. आज मैंने सिलेबस जो है डाउनलोड कर दिया है, सिलेबस जो है मैं डाल दिया हूँ. तो आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है कल मैं बता दूंगा, ठीक है. ज्यादा मैंने दिया हूँ, लिमिटेड चैप्टर दिया हूँ, ताकि नहीं फिर भी आपको मैंने कवर तो करना पड़ेगा ना बेटा, हाफ ईयर तक का सिलेबस तो कवर करना है. तो सर एक दो चैप्टर आएंगे या सारे ही आ जाएंगे? एक दो से काम तो नहीं चलेगा. हाँ हाँ, पूरा 7-6 चैप्टर आर देयर, तो आपको पूरा दिया जाएगा, डोंट वरी. तो मैं चैप्टर कल आपको मैं बता दूंगा, ठीक है. ओके, थैंक यू सर.